आचार संहिता लगते ही पुलिस प्रशासन ने धरपकड़ तेज कर दी है। पुलिस कप्तान के विशेष दिशा निर्देश के अनुसार मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया गया है ताकि किसी भी संदिग्ध को समय रहते पकड़ा जा सके। इसी कड़ी में अधारताल थाने की पुलिस ने एक संदिग्ध के पास से एक मावजा और एक जिंदा कारतूस बरामद किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक संदिग्ध हथियार के साथ घूम रहा है, जिस पर तत्काल कार्यवाही करते हुए अधारताल पुलिस ने वीरेंद्र सिंह को हथियार के साथ गिरफ्तार किया, जहां पूछताछ पर आरोपी ने खंडवा से हथियार खरीदने की बात कबूली है। बहरहाल आरोपी पुलिस गिरफ्त में है, जिससे गहन पूछताछ की जा रही है। देर रात में मुखबिर से सूचना प्राप्त कि विक्रम प्रताप सिंह तथा राजेंद्र प्रताप सिंह ये अपने पास में एक पिस्टल माउजर अवैध रूप से रखे हुए हैं और आने वाले समय में बड़ी घटना घटित करने की फिराक में है। इसमें कुछ सूचना पर हमारे थाने की टीम के ASI सेक्शन संपर्क आरक्षक राजेश, आरक्षक रितेश, आरक्षक प्रदीप तिवारी और आरक्षक संतोष पांडे की टीम ने घेराबंदी करके इनको पकड़ा, जिनके कब्जे से एक पिस्टल बरामद हुआ है, जिसमें एक जिंदा कारतूस मिला है। पिस्टल बरामद हुआ है, इसके संबंध में जब पूछताछ की जा रही है, अपराध पंजीबद्ध कर दिया गया है 25/27 आरक्षक का। आगे भी इनसे पूछताछ की जा रही है कि ये पिस्टल कहाँ से प्राप्त किया था और इसके अलावा अन्य कहीं भी इन्हें सफाई यदि की है तो संबंध में भी पूछताछ की जा रही है। कहाँ से लाता था? प्रथम दृष्टि उन्होंने खंडवा के किसी अफसर नाम के व्यक्ति से खरीदना बताया, लेकिन अभी संबंध और भी डीपली पूछताछ की जाएगी। पुराना आपराधिक रिकॉर्ड है, इनके खिलाफ करीब 5-6 अपराध पहले की पंजीबद्ध है, जिसमें एक अपहरण का मामला भी है और अन्य मारपीट।